भारत में एक बेहतरीन टीवी स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली प्रिया तेंदुलकर के किरदारों को आज भी याद किया जाता है। वो बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री दोनों ही जगह लोकप्रिय थी। प्रिया तेंदुलकर एक ऐसी एक्टर रही है जो अपने किरदारों में जान डालती नजर आई। आइए जानते हैं प्रिया तेंदुलकर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। हम पांच की फोटो वाली मॉम आप सभी को याद होंगी। फोटो में उनका अंदाज बेहतरीन था, बीच बीच में उनके पंचेज लोगों को लुभाते रहे। ये शो गुलजार द्वारा निर्देशित किया गया था। प्रिया तेंदुलकर का जन्म 19 अक्टूबर 1954 को हुआ। प्रिया ने कई कलाकारों के साथ सफल टॉक शोज भी किए, जिसमें द प्रिया तेंदुलकर शो और जिम्मेदार कौन था। इस शो में कई दिग्गज सेलिब्रिटीज आते थे जिनसे कई सवाल जवाब किए जाते थे। इतना ही नहीं, इन शोज में उनके आक्रामक तेवर देखने को मिलते थे। प्रिया ने बॉलीवुड में 1974 में श्याम बेनेगल के बैनर तले बनने वाली फिल्म अंकुर में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें उनके ऑपोजिट अनंत नाग थे। इस फिल्म के दौरान वो अनंत से बहुत नजदीक हो गई थी, इनसे भी उनके संबंध जोड़े जाते थे। प्रिया को बचपन से ही अभिनय का शौक था, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती थी जिनका पूरा परिवार रंगमंच से जुड़ा था। प्रिया स्कूल टाइम से ही स्कूल नाटक में भाग लिया करती थी। उन्होंने सत्यदेव दुबे के नाटक है वदन में गुड़िया की भूमिका निभाई थी। इसके बाद में अंजी, कमला, कन्यादान जैसे कई मराठी नाटक भी किए। प्रिया ने अपने पति करण राजदान के साथ रजनी और किस्से मियां बीबी के शोज में रियल हस्बैंड वाइफ की भूमिका निभाई थी। शो रजनी से प्रिया को हर घर में पहचान मिली थी। इस शो में प्रिया ने सामाजिक बुराइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस शो को 1985 में बासु चैटर्जी ने निर्देशित किया था। प्रिया ने कई रचनाएं भी लिखी थीं। उनकी डेथ बहुत कम उम्र में हो गई, जिससे पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई थी। सोर्सेस की माने तो उनकी डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, पर उन्हें कैंसर भी था। उनकी डेथ पर पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी शोक जताया था। उनकी डेथ मात्र 42 साल में ही हो गई थी। वो लोकप्रिय अभिनेत्री होने के साथ साथ लेखिका और नाट्यकार भी थी। प्रिया की शादी अभिनेता और लेखक रहे करण राजदान से हुआ था, लेकिन ये शादी सिर्फ 7 साल तक ही चली और फिर टूट गई थी। प्रिया को दोनों इंडस्ट्री में असली पहचान टीवी सीरियल रजनी से मिली थी। तो ये थी प्रिया तेंदुलकर की कहानी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।